शब्द भी लिखा है यहाँ, देख सकते हैं। सो गाइस मूवीज़ में लोगों ने इसको बहुत देखा है और गलत वजह से देखा है, मतलब डायलॉग्स वगैरह अपने देखोगे पुरानी मूवीज़ में, काफ़ी अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में भी ये दिखाया गया है। मेहरबान कदरदान, माय नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग्स। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ रामपुर में और फाइनली जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मेरे एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं ब्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूँ। तो पिछले ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो प्रोडक्ट जाकर देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हाँ गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ कोटी खास बाग, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और ये क्या चीज़ है मैं इसको पता नहीं थंबनेल में डालूंगा या नहीं डालूंगा, तो चलते हैं फटाफट। ये जो चीज़ है ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, वर्ल्ड फेमस चीज़ है, ये मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये मज़ा नहीं आएगा। तो अभी चलना है मुझे फटाफट, साहिल भाई को उठाते हैं, साहिल भाई के साथ चलेंगे कोटी खास बाग। और अभी टाइम हुआ है 11:05 और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए चलते हैं फटाफट। सो गाइस ये है अपनी बुलेट और काफ़ी टाइम से चली नहीं है तो इसको चलाना भी ज़रूरी है, तो फटाफट इसे लेके चलते हैं हम लोग, इसका कवर उतार लेते हैं और गंदी भी काफ़ी हो गई होगी। सो गाइस देख सकते हो कितनी गंदी हो चुकी है ये, बहुत ज़्यादा, ये देखो देख रहे हो बहुत गंदी हो गई पूरी बाइक, जगह जगह यहाँ पे धूल आ गई, साइलेंसर पे भी और इधर भी देख सकते हो सब धूल ही धूल हो रही है, ये देखो देख रहे हो। तो फटाफट मैं इसका कवर उतारता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ और चलते हैं फटाफट। फाइनली आ चुके हैं साहिल भाई, साहिल भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अभी चलते हैं फटाफट कोटी खास बाग और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग क्या दिखाने वाले हैं आप लोगों को, चलिए फटाफट। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोटी खास बाग। तो ये देखिए रामपुर का महल है, रामपुर का पैलेस है, ये नवाबों का पैलेस है। मैंने ऑलरेडी भी इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं और अभी फिर से मैं वीडियो बनाने आया हूं। तो जो स्पेशल चीज़ें यहां की कि यहां पे जो है एक अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल भी था और भी काफ़ी चीज़ें थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे आज वीडियो लाया हूँ। फाइनली ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला, तो ये मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ कि क्या है, आप समझ ही होंगे वैसे तो थंबनेल देख के, लेकिन मैं फटाफट दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए ये है वो चीज़, ये है रामपुरी चाकू, देख रहे हो आप लोग। सो गाइस देखो ये है रामपुरी चाकू, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है
और क्या बेहतरीन कोटिंग हो रखी है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी। रामपुरी चाकू भी अगर आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आपको लिंक से मिल जाएगी। बाकी अभी मैं हूँ कोटी खास बाग में, तो यहाँ पे इसका अलग ही मज़ा है क्योंकि तरीके से ये नवाबों की रियासत है। और ये देखिए, ये है रामपुरी चाकू, ये बटन वाला चाकू है और ये वही चाकू है जो मतलब एक तरीके से पुराने दौर का चाकू है। ये देखिए रामपुर भी लिखा है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये रामपुर लिखा है और बहुत ही अमेजिंग चाकू है ये। ये देखिए इस तरीके से कुछ खुलता है, ये देख सकते हैं, ये है रामपुरी चाकू। तो इसको खोलोगे ना एक अलग ही फील आता है, अलग ही फील। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल जो है किसी को हार्म पहुँचाने के लिए नहीं है। पहले लोग ले आते थे इससे, गलत वगैरह काम करते थे गलत। सो गाइस, मूवीज़ में लोगों ने इसको बहुत देखा है और गलत वजह से देखा है कि मतलब रामपुरी चाकू है, ये खून निकल जाएगा अगर हाथ लग गया तो। तो इस तरीके से मतलब डायलॉग्स वगैरह अपने देखोगे पुरानी मूवीज़ में, काफ़ी अमिताभ बच्चन की मूवीज़ में भी ये दिखाया गया है। तो ये चाकू है, देखिए रामपुरी चाकू, और इसकी जो शॉप है वो वैसे वहाँ पे है रामपुरी चाकू मार्केट में, जो के है बाज़ार नसरुल्ला खान रामपुर में। तो ये देखिए, ये है चाकू और ये है कोट दिखा पा। तो ये दो चीज़ें आपको दिखानी थी एक बार फिर से, और मैं ऐसे ही बनाते रहता हूँ वीडियो। तो ये चाकू है और ये कोट दिखा बाग है, एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे ये कोठी बनाई गई। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकली थी जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, मैं उसकी फ़ोटो आपको डाल दूँगा सामने स्क्रीन पे। बहुत सारी चीज़ें निकली थी इसमें, जिसमें से चाकू भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी वीडियो बनाई है रामपुर के नवाब नवेद मियाँ के साथ, और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, उनका इंटरव्यू लिया था। देखिए, ये रामपुरी चाकू है और ये इस तरीके से, ये दबा के बटन, ये ऐसे ये ऊपर कर दिया, ये लॉक हो गया पूरा। देखिए लॉक होने के बाद, ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, इस पर नक्काशी देखिए कैसी हो रखी है, देख सकते हैं। और ये कोटी खास बाग है, तो मतलब यहाँ पे एक अलग ही इसका महत्व है दिखाने का, एक अलग ही मज़ा है क्योंकि ये नवाबों की पहचान है, ये भी नवाबों से ही शुरू हुए थे चाकू, देख सकते हैं। तो साहिल भाई, देखिए आप भी चाकू को, तो साहिल भाई को दिखाता हूँ। तो साहिल भाई अभी इसे देखेंगे ओपन करके और खोल कर और बंद करके। ये देखिए, ये रामपुरी चाकू है, रामपुर की शान, देखिए अमेजिंग, बहुत गजब चाकू है। साहिल भाई क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, थोड़ा बताओ इसके बारे में। बस यही कि रामपुर की शान है, यही हमारी रामपुर की शान है, बस और कुछ नहीं। लोगों ने इसको थोड़ा सा गलत वे में सोचना शुरू कर दिया है, लेना शुरू कर दिया है कि बस रामपुर के जो चाकू है वो खून ख़राब है या लूटपाट के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ये एक तरह से शोपीज़ है, घर में आप रख सकते हैं। जैसे अलग अलग आपने देखा होगा लोगों की स्पेशलिस्ट होती है कुछ शहरों की, कि कहीं का कुछ फेमस होता है रामपुर का, ये रामपुर ही फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर जो रामपुर लिखा है ना, ये सबसे यूनिक चीज़ लग रही है मुझे, सबसे बढ़िया, देख सकते हो कैसे चमक रहा है ये, बहुत गजब। और ये ब्लेड जो है ब्लंट है ब्लेड, ये आसानी से किसी के लगेगा नहीं क्योंकि इसकी धार जो है ख़त्म कर रखी है, और लगने को तो लग जाएगा खैर जिस तरीके से बनाया गया, लेकिन एक तरीके से इसमें ऐसा कुछ बना दिया जाता है जिससे ये हार्म नहीं करता लोगों को, आसानी से लोग इसे यूज़ करते हैं। और देख सकते हो क्या मज़े की बात है, रामपुरी चाकू और यहाँ पे कोटी खास बाग नवाबों का, तो अलग ही बात है भाई, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात इसमें, इसकी खासियत क्या है, जो भी नाइफ्स होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, तो ये रामपुरी चाकू जो है ये आपको इंडिया में मिलेगा, और इंडिया में मिलेगा आपको रामपुर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नवाबों से इसका शुरुआत हुई थी। देख सकते हो ये इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ में मतलब फ़िश का वो होता है, जो सबसे बड़ा चाकू लगा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो फ़िश की तरह बनाया है ना, उसमें फ़िश की तरह वो धारी वगैरह सब दे रखी है। और ये ट्रेडिशनल चाकू है, ये देखो इस तरीके से बनाया जाता है, और ये बटन वाला होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने, इससे ही पुराने, वो बटन वाले नहीं होते, उसको ऐसे चटकनी टाइप मतलब यूं करके, यूं बंद करके खोला जाता था, यूं केवल वो यूं बंद हो जाते थे यूं, उसमें ये बटन नहीं होता था। और आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाकू लगा रामपुर में, उसमें भी ये बटन नहीं दिया गया। और देखो ये इस तरीके से, देखो ये सब हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, ये मशीन का कोई यूज़ नहीं हुआ इसमें, हाथों से बनाए जाते हैं और ठोक पीट के, ठोक बजा के और मतलब काट पीट के बनाए जाते हैं, और हल्का फुल्का ब्लेंडर वगैरह यूज़ कराया जाता है, वो इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती।
बाकी ये देखो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, और ये बिना स्प्रिंग वाले होते हैं, इसमें स्प्रिंग नहीं होता। जो चाइना वाले देखोगे तो उसमें स्प्रिंग होता है, इसमें ये होता है। देखो ये अंदर ये लोहे का कुछ होता है, देख सकते हो पूरा खाली है ये, हल्का सा अंदर लोहे का कुछ होता है, उसको ये यूँ दबाओगे तभी ये इधर जाएगा, ये इधर चटकनी टाइप में जैसे वो होती है ना एकदम लोहे का, वैसे ही जाएगा अंदर। इसमें स्प्रिंग नहीं होता सबसे बड़ी बात, तो ये देखो तब भी ये इस तरीके से खुल जाता है, देख रहे हो, ये इसकी खासियत है। और ये लगभग इतना बड़ा है, देखो ये मेरी उंगली से लेकर यहाँ तक पूरा बड़ा है, और देखो कैसे चमक रहा है धूप में, देख रहे हो। तो ये ऐसे ही चमकेगा, और बिल्कुल ये बहुत ही शानदार। और ये मेरे ख्याल में स्टील का ब्लेड है, और उसमें इसमें रेती के ब्लेड भी आते हैं, एसएस के ब्लेड भी आते हैं, दो तीन तरीके के ब्लेड आते हैं, एसएस का, रेती का ब्लेड, और ये स्टील का ब्लेड है, और इस पर जंग भी नहीं आएगी। और इसको सबसे बढ़िया रखने का तरीका क्या है, अगर आप इसे ख़रीद लो, ख़रीदने के बाद आप इसे जो है लपेट के किसी पेपर में, अखबार में रख दो, रखने के बाद उसको अच्छे से एक बार और अखबार से ढक दो, रखने के बाद किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ इस पर रस्ट वगैरह ना आए, धूल वगैरह ना आए, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर ना जंग चढ़ जाती है। लेकिन जंग से बचाने के लिए इसको पेपर वगैरह रख के, क्योंकि मैं भी पेपर में लाया था, पेपर में रख के फिर इसको पूरा तरीके से कवर करके फिर रखो। तो ये है रामपुरी चाकू, देख सकते हो। सो गाइस ये था रामपुरी चाकू, और ये है नवाब का पैलेस। इसकी सारी वीडियोस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, तो आप जाइए कमेंट करिए मुझे, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना अगर अभी तक वीडियो देख लिया तो, और बेल आइकन दबा देना, उससे क्या होगा जब भी मैं नया ब्लॉग डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, है ना भाई। कमेंट करेंगे तो मैं और आपके जो भी सजेशंस होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ये था रामपुरी चाकू, तो ऐसी मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और मेरे ख्याल से इस तरीके की वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी, वो कोटी खासबाग के जस्ट सामने। तो ये देखिए रामपुरी चाकू था। तो चलिए गाइस, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में।